साथियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन और नया केस लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओप्लोकाइंड ओजेड बोलस के बारे में। इसका प्रयोग हमें पशुओं में कौन सी बीमारी में प्रयोग करना चाहिए, कौन सी बीमारी में नहीं प्रयोग करना चाहिए, कौन से पशुओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्या यह प्रेगनेंसी सेफ है, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मिलने वाली है। आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। साथियों बात करते हैं टेबलेट की, तो हम फील्ड में जब भी जाते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियों में पशु मालिक सिर्फ और सिर्फ दवाई लिखवाते हैं, तो हमें इसका भी सोल्यूशन होना चाहिए। और हम इसको कैसे किस तरीके से दवाई का नाम याद रख सकते हैं, तो हमें फील्ड में इनका भी बहुत ही ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। साथियों बात करते हैं ओप्लोकाइंड ओजेड की, तो फील्ड में इसका प्रयोग हम कौन कौन सी डिजीज में कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों बात करते हैं पशुओं को जब डायरिया हो जाता है, पतले से पतले दस्त हो जाते हैं, आप सिर्फ ओप्लोकाइंड ओजेड की दो दो गोली सुबह शाम लगातार 2 से 3 दिन तक खिला के देखिए, आप देखेंगे कि आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला है। डायरिया किसी भी रूप में हो, पानी जैसा हो, पतले दस्त हो, डायरिया में कैसे भी समस्या हो, कितना भी भयंकर डायरिया हो, कितने भी दिनों का डायरिया हो, आप ओप्लोकाइंड ओजेड बोलस का प्रयोग करके देखिए, डायरिया को यह बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेती है। और कितना भी भयंकर से भयंकर डायरिया हो, यह पशुओं में बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथियों बात करते हैं ओप्लोकाइंड ओजेड की, तो हम डायरिया के सिवाय इसको हल्के बुखार और दस्त जब पशुओं को होते हैं उस कंडीशन में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि पशुओं का टेम्परेचर 103 के आसपास है, बड़े पशुओं का, और यदि उनको डायरिया लगा हुआ है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ हमें दूसरी एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं रहेगी, उससे पशु रिकवर हो जाएगा। और बात करते हैं इसकी ओप्लोकाइंड ओजेड बोलस की, तो हम इसका प्रयोग पशुओं के पेशाब में जब सफेद सफेद मवाद ज्यादा जाने लगता है उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग करके देखिए। पेशाब में जब सफेद सफेद पानी अगर दिखाई देता हो उस कंडीशन में भी इस ओप्लोकाइंड ओजेड का प्रयोग करके देखिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओप्लोकाइंड ओजेड एक बेहतरीन बोलस है और इसका रिजल्ट भी बेहतरीन है। इसका प्रयोग आप किसी भी तरह के दस्त में, और लगभग लगभग दस्त को तो पूरी तरीके से यह रिकवर कर लेगा। अब बात करते हैं इसकी डोज की, तो बड़े पशुओं में यदि गंभीर समस्या है, ज्यादा दस्त है, भैंस गाय ऊंट, इनमें हमें दो दो बोलस सुबह शाम का प्रयोग करना है। और भेड़ बकरियों में एक एक बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। छोटे पशुओं में हम आधी आधी बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या यह प्रेगनेंसी में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो साथियों ओप्लोकाइंड ओजेड जो बोलस आती है यह पूरी तरीके से प्रेगनेंसी सेफ है। इसका प्रयोग आप प्रेग्नेंट पशुओं में कर सकते हैं, इससे एबॉर्शन होने का डर नहीं रहेगा और न ही किसी तरह की कोई गर्मी करेगा, तो आप इसका प्रयोग प्रेग्नेंट पशुओं में कर सकते हैं। बात करते हैं दुधारू पशुओं में, तो दूध देने वाले पशुओं में भी हम इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। इससे पशुओं के दूध में कहीं किसी तरह का दूध कम नहीं होगा और दूध में नुकसान नहीं होगा। तो साथियों इसका प्रयोग दुधारू पशुओं में भी कर सकते हैं, प्रेग्नेंट पशुओं में भी कर सकते हैं, पूरी तरीके से सेफ है। तो आप इसका प्रयोग इन सभी तरह की बीमारियों में और प्रेग्नेंट पशुओं में भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।